नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम धोबी जाति के संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। मालूम हो कि धोबी शब्द की उत्पत्ति धावन अर्थात धोना शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है साफ करना या धो कर शुद्ध कर देना। इतिहास और अधिकांश धोबी या धार्मिक रूप से संत गाडगे बाबा या गाडगे महाराज, जिन्हें गाडगे बाबा के नाम से भी कहा जाता है, इनको अनुसरण करते हैं। हर साल 23 फरवरी को उनकी जयंती मनाते हैं। इन्हें भारत के अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नाम जैसे कनौजिया, कनौजिया, मदिवाल, अगसार, पारित, श्रीवास, दिवाकर, रजत, चकली, सिन्हा, राजकुला, बेलू, तकदार, एकली, सेठी, चौधरी, माथुर, मरेठी या पानीकर आदि नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले धोबी को धोबी समाज अर्थात रजत समाज के नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है धोबी जाति प्राचीन काल में बहुत ही उन्नत जाति हुआ करते थे। प्राचीन काल में धोबी समाज के लोग क्षत्रिय समाज के ही अंग माने जाते थे। आज भी अंडमान में धोबी जाति के लोग अपने नामों के साथ राजपूत धोबी कहलाते हैं और उन्हें राजपूत कहकर भी पुकारा जाता है, अर्थात ये सब राजा के ही वंशज हैं और राजपूत हैं। प्रामध्यकालीन भारत में आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, जिसके बाद ये अपने वंश के राजा के कपड़े न धोकर आम जनमानस के भी कपड़े धोने में लगे हैं और इस प्रकार से धोबी जाति के इतिहास बदलता हुआ दिखा। प्राचीन काल में यह क्षत्रिय थे, मध्यकालीन भाग में जब आया तो इन्हें और शूद्र बना दिया गया। अब आधुनिक काल में यह फिर से अपने महत्वाकांक्षा और अपने कठिन परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया है कि यह कोई शूद्र वर्ण के नहीं है। अभी तो आज भी इनके कामकाज करने से यह वैश्य वर्ण के अंदर चले गए हैं। इस बात से देखा और समझा जा सकता है जिस प्रकार सनातन हिंदू धर्म के अंदर धोबी जाति के लोगों को एक क्षत्रिय इतिहास इनका गवाह है। बिहार के अंदर अपने नाम के आगे राज धोबी लगाते हैं, अर्थात धोबी जाति के राजा के वंशज होने का अनुमान करते हैं और वास्तविकता भी यही है। सो धोबी जाति को कोई शूद्र या छोटी जाति के तौर पर नहीं पुकारा जाना चाहिए। धोबी जाति के लोग बहुत ही स्वाभिमानी जाति और बहुत ही योद्धा जाति हुआ करते थे। प्राचीन काल में यह अपने वंश के राजा का मात्र कपड़ा धोया करते थे। मध्यकालीन भारत आया तो ये आम जनमानस के कपड़े धोने लगे। ब्रिटिश काल के दौरान भी इनको ऐसा हुआ कि जब आर्थिक स्थिति सभी की दयनीय और बेबस हो गया तो लोग तरह तरह के काम करने लगे और यही वह था जब वर्ण व्यवस्था धूमिल होकर जातिवाद में तब्दील हो गया। तब से इनके अंदर विग्रह उत्पन्न हुआ। सो आई होप कि यही है इतिहास सच्चा धोबी जाति के इतिहास जानकर। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद।